हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जय प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं फिजिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें जो विद्यार्थी 2021 के माध्यमिक परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे देखिए। फिजिकल साइंस में जो सिलेबस 30-35% जो सिलेबस कम कर दिए गए हैं, उसके बाद जो आप लोगों को सिलेबस में पूछा जाएगा वो सिलेबस का हम एक सारणी बनाएं, एक चार्ट बनाएं, वो आप देख लीजिए। अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि, ये जो पहला चैप्टर है इससे आपका क्वेश्चन रहेगा। गैसों का आचरण, उससे भी क्वेश्चन रहेगा। रासायनिक गणना, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। प्रकाश क्वेश्चन रहेगा। विद्युत आवर्त सारणी, रासायनिक बंधन और विद्युत विच्छेदन या विद्युत लेपन, यहाँ तक आपका सिलेबस में शामिल है। तो आप ध्यान रखिए कि इस ये जो सिलेबस हम दिखा दिए हैं, इस सिलेबस से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इस सिलेबस के अंतर्गत जो बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को कराएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए और कंटिन्यू देखते रहिए ताकि विभिन्न प्रकार के पार्ट्स में पार्ट वाइज आपको सारा जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं वीडियो का। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का परावर्तन वायुमंडल के किन स्तरों में होता है? तो याद रखिए, ये है, इसका आंसर होगा आयन मंडल। क्या होगा इसका आंसर? आयन मंडल। आयन मंडल इसको कहते हैं आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर, तो आयनोस्फेयर में क्या होता है कि जो भी धरातल से विद्युत तरंगे भेजी जाती है वो इन्हीं स्तर में जाकर वापस लौट आती है, जिससे कि हम लोग रेडियो तथा टेलीविजन में जो प्रसारण सुनते हैं वो इसी मंडल के कारण हम लोग सुन लेते हैं। इसका ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में होता है। और चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, टेम्परेचर यहाँ का लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकते हैं अगर बहुत ऊंचाई में, यानी 400 किलोमीटर के ऊंचाई पर अगर हम पहुँच जाते हैं तो इसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए इसको तापमंडल भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है तापमंडल, आप याद रखेंगे। इसको तापमंडल भी बोलते हैं या आयन मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले आइए, एक परंपरागत तथा एक अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत का नाम लिखिए। तो देखिए, परंपरागत मतलब होता है जो हम लोग ऊर्जा प्राचीन काल से उपयोग में ला रहे हैं और जिसको फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे पहले परंपरागत में आप देख लीजिए, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत वे ऊर्जाएं हैं जिसको कि फिर से हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम। क्या लिखेंगे? पेट्रोलियम और कोयला, इसको हम क्या कर सकते हैं कि फिर से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। और गैर परंपरागत जो होता है, गैर परंपरागत, परंपरागत बहुत सारा इसका नाम है, गैर परंपरागत भी बोला जा सकता है, अपरंपरागत भी बोला जा सकता है, अपरंपरागत भी बोला जा सकता है, ठीक है, या फिर इसको नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा इसका नाम होता है, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। तो ये सभी एक ही चीज का नाम है, चाहे आप गैर परंपरागत देखेंगे, अपरंपरागत देखेंगे या नवीकरणीय ऊर्जा देखेंगे, सब का मतलब होता है रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? पवन ऊर्जा हो सकते हैं, क्योंकि इसको फिर से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जो ऊर्जा पुनः बार बार हम
निर्मित कर सकें उसी को हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे पवन ऊर्जा, जल विद्युत, जल विद्युत को हम बार बार क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ये समाप्त होने वाला ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा हो या फिर जल विद्युत हो, इसको हम क्या कर सकते हैं बार बार। सोलर, सोलर इनर्जी, तो सोलर इनर्जी का भी उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, इसलिए इसको हम मानते हैं क्या, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। तो याद रखेंगे परंपरागत ऊर्जा का स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, इसमें से एक क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, ठीक है। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक ग्रीन हाउस गैस का नाम लिखिए। देखिए ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, वे गैसें जो सूर्य के प्रकाश के किरण को अवशोषित कर वो क्या करता है, वायुमंडल के तापक्रम को बढ़ा देता है, तो उन गैसों को ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। और ये जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं वो वायुमंडल में किसके वजह से होते हैं, तो CO2 के वजह से, अर्थात ये CO2 ग्रीन हाउस गैस कहलाएंगे। मीथेन गैस, ये भी क्या होता है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से मीथेन गैस उत्पन्न होते हैं, जैसे दलदली भूमि जहां पे विभिन्न प्रकार के पशु या फिर उसके जो पेड़ पौधे के जो ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके सड़ने से, गोबर के सड़ने से, इन सभी पदार्थों से मीथेन गैस उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो देखिए कितना नाम है, ये सारे जो नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे क्या हैं, सभी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं, इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। अब ये ग्रीन हाउस गैस का नामकरण कैसे हुआ, इसके बारे में आपको अगर जानना हो तो थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब कि जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होते हैं, वहाँ पे जो कृषि किए जाते हैं, तो उसके लिए एक हाउस बनाया जाता है, कांच का घर बनाया जाता है, ठीक है। उस कांच का घर में जब सनलाइट आ जाते हैं एक बार, तो वो फिर क्या होता है, बाहर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो घर बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कृषि करने के लिए, चूंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फसल को रोपा जाता है जो हरे भरे होते हैं और ये कम टेम्परेचर पर नहीं होते हैं, इसके लिए एक विशेष प्रकार के टेम्परेचर की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को भी ग्रो करने के लिए, तो इसलिए कहता है कि ये कांच का घर बनाया जाता है ताकि इसके अंदर जो सूर्य के प्रकाश की किरणें प्रवेश करते हैं और ये ऊष्मा जो इसके अंतर्गत उत्पन्न होते हैं वो ऊष्मा बाहर नहीं जा सके और ये गर्म रह सके ताकि फसल अच्छी तरह से हो जाए, तो इसी का नाम है ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस का मतलब है कि टेम्परेचर को कंटेन करके रखना, अर्थात टेम्परेचर को अवशोषित करके रखना। तो अब देखिए ये जो गैस है, ये सारा गैस क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वही काम कर रहा है, मीथेन भी वही काम कर रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी वही काम कर रहा है, इसलिए इन सभी गैसों को हम लोग इसी घर के कारण जो ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं ठंडे प्रदेशों में कृषि उपज के लिए, उसी के नाम पर इसका नाम रखा है ग्रीन हाउस गैस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और NO2। तो आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि एक हम पढ़ लिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, ऐसा नहीं है। आपका मीथेन अगर मिल जाता है ऑप्शन में, मीथेन भर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भर सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भर सकते हैं, ठीक है, ये सब ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। अब चले आइए 4 नंबर क्वेश्चन। ओजोन परत को नष्ट करने वाला एक गैस का नाम लिखिए। देखिए ओजोन परत का जो नष्ट करता है वो है फ्रिज और जो एसी लगाते हैं हम लोग, फ्रिज और एसी से जो गैस निकलते हैं, फ्रिज जो हम लोग प्रयोग करते हैं घर में, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, तो फ्रिज या फिर एयर कंडीशन से जो गैस निकलता है उसका नाम है CFC, याद रखेंगे CFC, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो कभी देखिए इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CFC। ये बहुत ही घातक गैस होता है। ये गैस क्या होता है कि ओजोन लेयर के पास जाता है और ओजोन लेयर को तोड़ देता है। तो इसलिए ओजोन परत को नष्ट करने वाला एक प्रमुख गैस जो बताया जाता है वो है CFC, जो हमारे विभिन्न प्रकार के घरेलू उपकरण से निकलते हैं, जैसे फ्रिज हो या एयर कंडीशन हो, इसी से निकलते हैं CFC, और वो वायुमंडल में चले जाते हैं और वायुमंडल में जाकर ओजोन लेयर को, जो कि हमारा ओजोन स्तर में O3 होता है, उसको ये क्या करता है, विघटित कर देता है और ये O2 और O में क्या करता है, इसको बदल देता है, जिससे कि वो लेयर टूट जाता है। देखा गया है कि अंटार्कटिका के अंदर एक होल बन गया है, अर्थात वहां पर क्या होता है कि ये ओजोन गैस का जो लेयर है वो टूट गया है, और टूट जाने के कारण वहां पे एक होल हो गया, जिसको ओजोन होल भी कहते हैं। ओजोन होल किसके वजह से हुआ है, तो विभिन्न प्रकार के जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो गैसें हैं, जो विभिन्न प्रकार के कल कारखानाओं से या फिर मशीन से उत्पन्न होते हैं, उसके कारण ओजोन परत नष्ट हो गए हैं, जिसको ओजोन होल भी कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाला एक गैस का नाम आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आदर्श गैस की तरह किस अवस्था में व्यवहार करने लगते हैं। देखिए, कोई भी गैस आदर्श गैस के तरह व्यवहार तभी करेगा जब उसका दबाव निम्न हो, यानी निम्न दबाव होना चाहिए तथा उच्च तापक्रम होना चाहिए, उच्च तापक्रम। ठीक है, तो निम्न दबाव तथा उच्च तापक्रम पर कोई भी गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, ये आपको लिख देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडल के किस स्तर में आंधी चलती है। देखिए, सबसे निचला स्तर जो होता है वो 15 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं उसको क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, या जिसको कहते हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल, जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो वायुमंडलीय घटनाएं होती है, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, वज्रपात हो, बहुत सारे घटनाएं होती है वायुमंडल के अंदर, जो घटनाएं हम लोग देखते हैं, ये सारा घटना क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आप क्षोभ मंडल लिखेंगे या ट्रोपोस्फेयर लिखेंगे। इसी का दूसरा नाम घन मंडल भी है, तो याद रखेंगे ये सब नाम हिंदी में, क्षोभ मंडल, घन मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ये सब आंधी तूफान हवा जो भी चलते हैं, वज्रपात जो होते हैं, वो सारा जो है क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं, अर्थात क्षोभ मंडल में होने वाली घटनाएं। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन है, परावैगनी किरण का अवशोषण किस वायुमंडलीय स्तर में होते हैं। तो देखिए, परावैगनी किरण जो अवशोषित करते हैं वो है ओजोन गैस, इसलिए इसको कहते हैं ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल जो होते हैं, ठीक है, ओजोन मंडल, ठीक, ओजोन मंडल, इसको कहते हैं ओजोनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर। तो ओजोन मंडल में ही क्या होता है, परावैगनी किरण को अवशोषित कर लिया जाता है। अगर ये ओजोन मंडल हट गया हो तो वहां से क्या होता है, परावैगनी किरण धरती पे आ सकते हैं और ये केमिकल रिएक्शन के वजह से स्किन कैंसर नामक बीमारी उत्पन्न कर सकता है, स्किन कैंसर नामक बीमारी उत्पन्न कर सकता है। किसके वजह से, तो परावैगनी किरण के वजह से ये बीमारी हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे, जब ओजोन स्तर नष्ट हो जाएंगे और परावैगनी किरण धरती के ऊपर आने लगेंगे, इससे केमिकल इफेक्ट होता है, पेड़ पौधों के ऊपर भी इसका इफेक्ट होने लगेंगे
और जीव जंतुओं के ऊपर भी इसका बहुत ही हानिकारक इफेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए परावैगनी किरण को रोकने के लिए ओजोन मंडल प्रकृति क्या किया है, एक ऊंचाई में एक स्तर बना के रखा है ताकि धरती में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को इसके क्षति से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, दो जीवाश्म ईंधन का नाम लिखिए। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब कि जो जीव पृथ्वी के अंदर सड़ने गलने के बाद ईंधन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम, कोयला भी जीवाश्म, पेट्रोलियम जो होते हैं वो एनिमल का अवशेष है या एनिमल का डिकम्पोजिशन से पेट्रोल बनते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, कोयला जो अत्यधिक तापक्रम और दबाव के कारण, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कोयला में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे काफी समय के पश्चात ये कोयला में कन्वर्ट होते हैं। और पेट्रोलियम जो होता है वो जीव जंतु के विघटन से होते हैं, जीव जंतुओं के विघटन से, के विघटन से बनते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे आप, पेट्रोलियम और कोयला यही दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है, और भी बहुत सारे जीवाश्म ईंधन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, बॉयल का नियम में कौन कौन सा कारक स्थिरांक होते हैं, ठीक है। इसमें होता है वस्तु का मात्रा, वस्तु का मात्रा यानी जिसको कि एम कहते हैं, मास कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है तापक्रम, तापक्रम, ठीक है। तो वस्तु यहां पर गैस होगा, क्योंकि बॉयल्स का नियम जो होता है गैस के नियम है, इसलिए यहां पर वस्तु होगा गैस, यानी गैस की मात्रा भी हम बोल सकते हैं, गैस की मात्रा, वस्तु यहां पर क्या होगा, गैस होगा। तो वस्तु की मात्रा यानी गैस की मात्रा और तापक्रम, ये दोनों के ऊपर निर्भर करता है बॉयल्स का नियम, क्योंकि बॉयल्स का नियम में कहा जाता है कि अस्थिर तापक्रम पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उस पर आरोपित दबाव के विलोम समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात दबाव और आयतन के बीच में विलोम समानुपाती का संबंध होता है, V समानुपाती 1/P, ठीक है। ये बॉयल्स का नियम है, इसलिए यहां पे गैस का मात्रा और तापक्रम दोनों को अस्थिर करने के बाद तभी जाकर ये इसका जो नियम है वो फॉलो करता है, V समानुपाती 1/P। अब आता है 10 नंबर क्वेश्चन, SI पद्धति में दबाव की इकाई क्या है, इसका इकाई होता है पास्कल, पास्कल याद रखेंगे, और ऐसे इसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं या न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि दबाव बराबर जो सूत्र होता है, दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल के लिए हम लोग न्यूटन का प्रयोग करेंगे और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए यहां पे दबाव का इकाई क्या हो गया, न्यूटन ओब्लिक मीटर स्क्वायर, इसको शॉर्ट में आप N m/(-2) भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिखते हैं, न्यूटन मीटर पर पावर 2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो आप शॉर्ट में देखेंगे, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी दिया जा सकता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको ये भी ऑप्शन मिल सकता है, ये भी ऑप्शन मिल सकता है, ऐसा भी ऑप्शन, ऐसा तो और ऑप्शन नहीं मिलेगा, यह तो सूत्र का है, लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो इस तरह से सारा चीज आप जानकारी रखिए, किसी एक चीज को जान लेने से हो सकता है आपका क्वेश्चन छूट जाए, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में इसलिए जाते हैं कि अभी जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो बहुत सीधा सीधी नहीं देता है, कुछ चेंज भी कर देता है उसमें, तो इसलिए सारा सभी तरह के जानकारियां आपको रखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, NTP पर किसी गैस के 1 मोल आयतन का मान कितना होता है, तो
एक मोल गैस के आयतन का मान जब भी बोले तो आपको लिखना है 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर्स, इसको आप याद रख लीजिए। ये है एवोगाड्रो के द्वारा दिया गया एक मोल का आयतन। उन्होंने क्या किया है कि अलग-अलग गैसों का एक मोल, अर्थात अलग-अलग गैसों का एक एसटीपी पर क्या किया है, अलग-अलग गैसों को लिया और उन्होंने देखा कि 22.4 लीटर अगर हम किसी का आयतन लेते हैं तो उसमें अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है, और वो होता है कितना, 6.022×10³। ये विभिन्न प्रकार के गैसों के जो 22.4 लीटर का जो आयतन है, चाहे वो किसी भी प्रकार के गैस क्यों ना हो, उसके अंदर एक खास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो होते हैं कितना, तो 6.023×10³ मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं। इसलिए यहाँ पे आयतन आप याद रखेंगे, एक मोल का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है, चाहे कोई भी गैस क्यों ना हो। एनटीपी पर शुद्ध जल का क्वथनांक परम स्केल में कितना होता है, पहले आपसे हम पूछते हैं कि शुद्ध जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में बताइए कितना होता है, तो आप बताएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेंटीग्रेड स्केल में, लेकिन यहां पे देखिए आपको पूछा क्या गया है, परम स्केल, तो इसलिए आपको यहां पे देखना होगा ध्यान से कि परम स्केल में जब भी पूछा जाए तो आपको 273 उसमें क्या करना पड़ेगा, 273 उसमें एड कर देना पड़ेगा। तो जब 273 एड करते हैं तो हो जाता है कितना, 373। तो 373 के ये जो होता है, ये क्या होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन अगर उसमें 273 जोड़ देते हैं तो आ जाता है कितना, 373 के, और यही होता है शुद्ध जल का क्वथनांक। अब आगे बढ़ते हैं, कितना डिग्री तापक्रम पर अणुओं की गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो देखिए चार्ल्स ने बताया कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी गैस को अगर ले जाते हैं, ठीक है, तो उसके अणु में जो गतियां होते हैं, गैस के अणु हमेशा गति करते रहते हैं, ठीक है, किसी भी पात्र में भी रख देते हैं तो गैस का अणु जो होता है इधर उधर मूव करते रहते हैं, अलग अलग दिशाओं में वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, जिग जैग मोशन में वो मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर घटाते 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 हम लोग -273 कर देते हैं, ठीक है, तो उस समय देखा जाता है कि इसके जो अणु होते हैं वो मूव करना बंद कर देते हैं, ठीक है, तो इस टेम्परेचर को हम लोग परम शून्य तापक्रम भी कहते हैं, अर्थात कितना डिग्री तापक्रम पर अणुओं की गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर अणुओं की गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आपको ये आंसर याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक मोल में अणुओं की संख्या या एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो अभी अभी थोड़ा देर पहले आप क्वेश्चन देख चुके हैं कि एक मोल में अणुओं की संख्या, एक मोल चाहे कुछ भी कोई भी गैस क्यों ना हो उसमें अणुओं की संख्या 6.023×10³। देखिए कभी कभी ये भी होता है और कभी कभी आप 6.022×10³ दोनों में से कुछ भी लिख देंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, अगर बाय द वे ऑप्शन में ये रहा तो उसको टिक लगाइएगा, ऑप्शन में ये रहेगा तो ये भी लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम तो 22 ढूंढने जा रहे थे, 22 तो कहीं मिला नहीं तो हम जो है इनमें से कोई लगा दिए, इनमें से कोई नहीं लगा दिए। कभी कभी क्या होता है, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं दे देता है, तो आप सोचेंगे कि 22 तो मिला नहीं, ठीक है, तो इसलिए आपको दोनों याद रखना है कि इन दोनों में से कोई भी रहेगा तो आप उसमें टिक लगा देंगे। अब आता है 15 नंबर, 32 ग्राम्स O2 का आयतन NTP पर कितना होगा,
तो अब देखिए ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है वो हम लोग निकालेंगे। O2 का अणुभार, O2 का अणुभार हम लोग कैसे निकालते हैं, 16 × 2 = 32, ठीक है। तो इसका मतलब है कि O2 का अणुभार 32 आया, और ये 32 ग्राम में ही पूछा कि उसका आयतन कितना होगा NTP पर। तो आयतन यहाँ पर कितना होगा, चूंकि यहाँ पर 32 ग्राम मतलब 1 मोल, तो 1 मोल में आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, लिखेंगे 32 ग्राम O2 का आयतन कितना होगा, तो 22.4 लीटर होगा, क्योंकि ये 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन, और हम अभी अभी बताए हैं कि 1 मोल का आयतन कितना होता है NTP पर, तो NTP पर 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया है, 22.4 लीटर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। 1 मोल जल का द्रव्यमान निकालो। अब 1 मोल जल का कह रहा है, इसका मतलब जल का हम क्या निकालेंगे, अनुभार निकालेंगे, जो अनुभार निकालेंगे वही हो जाएगा इसका द्रव्यमान। तो H2O का अनुभार 1 × 2 + 16 = 2 + 16 = 18, तो इसलिए द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ग्राम अनुभार जब आप निकालेंगे तो आपको 18 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी पूछा जाए 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा, तो 18 ग्राम देखिएगा, उसमें ऑप्शन में 18 ग्राम ही लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस का वाष्प घनत्व निकालो। तो ऑक्सीजन गैस का वाष्प घनत्व, तो सबसे पहले अनुभार आप जानिए, O2 गैस का अनुभार आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। अनुभार बराबर कितना होता है, 16 × 2 = 32, तो अनुभार आपका 32 मिल गया है। और वाष्प घनत्व का निकालने के लिए वाष्प घनत्व बराबर होता है अनुभार डिवाइडेड बाय 2, तो आप बोलिए कितना निकाल लेंगे इसका, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, तो 16 जो होता है वो वाष्प घनत्व किसका होता है, तो ऑक्सीजन गैस का होता है, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा 16, ठीक है। 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना होगा, देखिए यहां पे आधा मोल बोला है, तो 1 मोल का अगर हम द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो CO2 का क्या निकालना पड़ेगा, CO2 का अनुभार निकालना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग निकालते आ रहे हैं। तो CO2 का अनुभार कितना हुआ, 12 + 16 × 2, ठीक है, सब रासायनिक गणना में ये सब आप पढ़ चुके हैं, 12 + 32 ऐड कर लीजिए कितना आएगा, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम देखिए कितना, 1 मोल, लेकिन यहां हाफ मोल पूछा है, तो लिखेंगे चूंकि 1 मोल CO2 का द्रव्यमान 44 ग्राम, इसलिए 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान, देखिए आधा मोल हुआ तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 22 ग्राम, नहीं तो कैलकुलेशन करना होगा, तो 44 × 0.5 करते ना कर दीजिएगा, जैसे कि आपको निकल जाएगा 22 ग्राम, तो आपका आंसर आ गया 22 ग्राम, क्या है, आधा मोल CO2 का द्रव्यमान, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़िए, CuSO4 5H2O में मौजूद परमाणुओं की संख्या निकालिए। तो देखिए इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, Cu देखिए 1 परमाणु हुआ, 1 सल्फर, 1 ऑक्सीजन का 4 परमाणु, 5 × 10 हाइड्रोजन का कितना, 10 परमाणु, प्लस ऑक्सीजन का फिर 5 परमाणु, टोटल अगर हम ऐड करते हैं 6, 16, 16, 5, 21, तो 21 परमाणु इसमें है, ठीक है। इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये आपको परमाणु भार नहीं पूछा गया इसका, इसमें पूछा है कि इसमें मौजूद परमाणुओं की संख्या निकालो, मतलब कितना परमाणु है इसमें, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स है
और वो कितना कितना उसका परमाणु है सारे जोड़ करके हम निकालते हैं, तो उसको परमाणुओं की संख्या बोलते हैं। तो ये 21 परमाणु है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखना है कि आखिर पूछा क्या है, उसी के हिसाब से निकालना है। अब देखिए 20 एनटीपी पर 96 ग्राम O3 का आयतन कितना होगा। तो देखिए यहां पे O3 का आयतन पूछ रहा है, तो सबसे पहले O3 का अनुभार आप निकालिए। O3 का अनुभार ही आपको निकालना पड़ेगा। तो कितना होगा, 16 × 3 48, ठीक है, अनुभार 48 है। अच्छा 48 में बताइए, 48 ग्राम अगर हम ग्राम अनुभार लेते हैं तो 48 ग्राम में आपको कितना मिलेगा, एक मोल निकलेगा, और एक मोल का आयतन 22.4 लीटर। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि 48 ग्राम O3 का आयतन कितना होगा बोलिए, 22.4 लीटर, इसलिए आपको 96 यहां पूछा जा रहा है। 96 ग्राम O3 का आयतन कितना होगा, तो आयतन हो जाएगा, चूंकि ये दुगना है तो इसको भी दुगना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर आपका आंसर मिल गया। 44.8 लीटर कितना होगा, 96 ग्राम O3 का आयतन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको ध्यान से इसको समझना है और पढ़ने का कोशिश करना है कि किस तरह से इसका आंसर आ सकता है। किस दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पे बोला किस दर्पण, दर्पण का यहां पे क्वेश्चन में दर्पण लिखा हुआ है, तो इसमें कहता है काल्पनिक और वस्तु से छोटा बनता है। तो काल्पनिक और वस्तु से छोटा हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, देखिए इधर आपका प्लेन होगा, इधर आपका सिल्वर्ड किया हुआ होगा। तो उत्तल दर्पण में जो होता है वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है वो हमेशा इस तरह से प्रकाश का किरण अगर इसमें आ भी जाता है तो ये प्रकाश का किरण इधर नहीं मूव करके ये इस दिशा में मूव कर जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा आपको। ये इसका मान लिया जाए प्रधान अक्ष है, जिसका कि ध्रुव ओ है, ठीक है, और एक समांतर किरण हमने गुजारे हैं। अब यहां पे देखिए कि ये इसका जो फोकस होगा, मान लिया यहां फोकस है और यहां पे इसका सी है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये किरण फोकस में जाके कटेगा, तो ये काल्पनिक रूप से देखिए यहां पे कटता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। और एक किरण आप अगर गुजारते हैं सेंटर से होकर, तो एक किरण आपको सेंटर से होकर इस तरह से, आप इसको सेंटर में से गुजार सकते हैं, इस तरह से आप सेंटर में इसको, ये किरण को सेंटर से गुजार सकते हैं। तो इस तरह से यहां पे देखा गया है कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब आपका फोकस के अंदर ही बनेगा, इसलिए तब कहता है कि इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा ही बनता है। तो आप समझ गए हैं कि उत्तल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। क्योंकि मान लिया जाए कि यहां पे एक आप वस्तु रखें, कहीं भी प्रधान अक्ष में कहीं भी आप वस्तु रख सकते हैं, मान लिया ये भी वस्तु रखे हैं, तो इससे एक समानांतर किरण गुजरेंगे, ठीक है, ये इस दिशा में वापस लौट जाएगा। अब ये तो इस दिशा में लौट जाएगा, तो इधर तो कहीं कटने से रहा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर मिलाते हैं फोकस में, क्योंकि फोकस में ही ये कटेगा, फोकस से मिलाते हैं। और एक किरण और लेते हैं जो कि हम लोग सी से मिलाने का कोशिश करते हैं, तो सी से जब हम इसको मिलाएंगे तो देखिए एक पॉइंट पर यहां पे कटता है, तो जहां पे ये कटेगा, सी से मिलाने का मतलब हुआ कि ये इस सी से होकर जाएगा भी और फिर वापस सी से लौट भी आएगा, तो यहां पे एक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये वस्तु से काफी छोटा होगा और काल्पनिक होगा, ठीक है, और काल्पनिक होने से ये सीधा भी बनता है।
तो आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इससे ये पता चलता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग, चूंकि ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु से, काफी छोटा बनाता है, इसलिए ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इस दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। साइड मिरर यानी जो भी बस, ट्रक, बाइक जो भी होता है उसमें देखिएगा साइड में एक ऐसे दर्पण का व्यवहार करता है। इस दर्पण से क्या करते हैं, पीछे वाले जो भी वाहन आ रहे होते हैं, जो व्यक्ति आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जो भी होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं बैठे बैठे देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्कोप होता है काफ़ी दूर तक देखने का होता है, और इसलिए तब वो दूर पीछे कहीं भी दूर गाड़ी आ रहे होते हैं उसको छोटा प्रतिबिंब करके ये हमको दिखा देता है, तो उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारे पीछे वाहन आ रही है नहीं आ रही है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं ये भी दिया जा सकता है, और एक क्वेश्चन दिया है कि किस दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, दर्पण लिखेंगे आप। अब आता है गले और दांत के जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन और इसी तरह का आ गया है कि गले और दांत की जांच के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे लिख देते हैं अवतल दर्पण। लेकिन देखिए, अवतल दर्पण में होता क्या है, इसमें तो ज्यादातर उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है, लेकिन एक विशेष कंडीशन होता है। अवतल दर्पण यानी इस तरह का, इसमें सिलवर्ड इधर किया हुआ रहेगा, इसमें एक विशेष स्थिति होता है कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, तो जब वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि ये किरण ऐसे आता है और फिर एफ से होकर के वापस चला जाता है, और एक किरण जो होता है सी से होकर के हम लोग क्या करते हैं, इसको गुजारते हैं, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि ये किरणें ये कहीं इधर साइड में कभी नहीं कटेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाने के बाद देखते हैं कि ये एक बिंदु पर कट जाता है और इस तरह से एक बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। तो जो ए और बी एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ए डैस और बी डैस बन जाता है, और एक स्थिति ही इसमें ऐसा होता है जो कि प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसलिए डॉक्टर लोग क्या करता है, गले और दांत को देखने के लिए उसको बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, और बड़ा दिखाई देने से उसके अंदर क्या परेशानियां हैं उसको वो जान सकता है, इसलिए इस दर्पण का वो लोग क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। और इसका यही कंडीशन होता है, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु को रखता है, जिससे कि उसको वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है और उसका जो इलाज होता है वो आसानी से वो कर सकता है। अब आगे क्वेश्चन आता है 23, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के किस बिंदु पर वस्तु को रखने पर, देखिए सेम क्वेश्चन जैसा ये बता दिए हैं उसी हिसाब से देखिए, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के किस बिंदु पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब आभासी बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए और वस्तु से बड़ा बनना चाहिए। तो क्या देखिए, ये क्वेश्चन जो हम बताएं आपको, ये इस दूसरे एक दूसरे से ये रिलेट कर पा रहा है, बिल्कुल रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया है वही सेम कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। देखिए, आभासी बिल्कुल काल्पनिक बन रहा है, क्योंकि काल्पनिक रूप से कटने से बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, इसलिए अब बोलिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, जब वस्तु को फोकस तथा ऑप्टिकल सेंटर, क्या लिखेंगे उसको, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव के बीच रखा जाता, ठीक है, यानी ये पोल है ओ और एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे,
तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। परंतु देखिए इसमें एक ही कंडीशन ऐसा है, इसके अलावा अगर हम वस्तु को कहीं दूसरे जगह कहीं भी रखेंगे इसमें तो कभी भी आपको ये कंडीशन नहीं मिलने वाला है, यानी काल्पनिक नहीं मिलने वाला है, वहां पे क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। सीधा नहीं मिलने वाला है, वहां पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और वस्तु से बड़ा नहीं मिलने वाला है, वहां वस्तु से छोटा हो जाएगा। तो ये कंडीशन बहुत ही, चूंकि ये एक्सेप्शनल कंडीशन है, इसलिए क्वेश्चन बार बार यहीं से देता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले आइए, क्वेश्चन बड़ा है, देखते हैं क्या लिखा है। यदि प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम पारदर्शी माध्यम में जाते हैं और केंद्र की ओर, यहां पे अभिलंब की ओर, केंद्र नहीं होगा, अभिलंब, अभिलंब की ओर, ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से लिख देते हैं, यह है अभिलंब, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तो प्रकाश का गमन किस माध्यम से किस माध्यम की ओर होगी। तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये जो किरणें आपतित किरणें होती है ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका देखिए मेन रास्ता ये है, लेकिन वो इस रास्ते से नहीं जाएंगे, ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। ये इसका अभिलंब है, इसको अगर एम एन माने तो ये अभिलंब है, ठीक है। तो ये अभिलंब की तरफ क्या हुआ, मुड़ गया और ये विचलन कोण इसका बन गया। तो ये विचलित हो जाता है किरण और अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। तो यहां वही बोल रहा है, यदि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते हैं और अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं तो प्रकाश का गमन किस माध्यम से किस माध्यम की ओर होगी। तो यहां पर क्या है, विरल, और यहां पर क्या है, सघन, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, है ना, प्रकाश की किरणें किस ओर गई, विरल माध्यम से सघन माध्यम से। अब एक चीज और जानिए, अगर इसका उल्टा अगर पूछ दिया जाए कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश की किरणें गमन करती है और वो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, तो ये अभिलंब है, मान लिया जाए ये आपका सघन माध्यम है, ठीक है, ये भी सघन माध्यम है और ये इसका विरल माध्यम है, ठीक है। तो प्रकाश का किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम इसको इस तरह से कर देते हैं, ये जल है, ठीक है, मान लिया जल है और ये हवा है, तो जल होगा सघन माध्यम, जो डेंस होता है, जो ज्यादा गाढ़ा होता है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है, उसको सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पानी, तो पानी क्या हो गया, सघन माध्यम। अब ये प्रकाश की किरणें जब हवा में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा, जैसे इसको जाना चाहिए अपने रास्ता में, इस रास्ता में जाना चाहिए, तो ये इस रास्ता में नहीं जा करके थोड़ा सा क्या होगा, और इधर विचलित हो जाएगा, तो ये आपका डेल्टा बन जाएगा, विचलन कोण बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, देखिए तो ये अभिलंब इस ओर जाना चाहिए था लेकिन वो उधर नहीं जाता है, या अपने ही दिशा में नहीं जाता है, अपना दिशा में जाना चाहिए था लेकिन ये अभिलंब के से अभिलंब के तरफ नहीं जाकर के अभिलंब से दूर मुड़ गया। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाते हैं, और जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चाहे ये पूछता है या ये पूछता है, ठीक है। और अगर कभी पूछा जाए कि नॉर्मल के ऊपर अगर किरण आपतित होती है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, नॉर्मल वाला दिशा में अगर वो किरण प्रवेश करती है तो वो अपने ही रास्ता से वापस लौट जाती है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं होता है, वो उसी रास्ता से लौट जाते हैं, कहने का मतलब वो जीरो डिग्री पर ही वापस लौट जाते हैं, ठीक। अब आता है अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले एक चित्र बनाए थे, ठीक है, उसमें अवतल दर्पण के बारे में बताए थे। तो देखिए आपका अवतल दर्पण ये है, तो अवतल दर्पण में देखिए
कि प्रतिबिंब जो होता है प्रायः जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं, छोटा ही बनते हैं। तो अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब इसमें अवतल दर्पण में हाँ, तो क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण नहीं है ये, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? अगर कोई अवतल लेंस लेते हैं, देखिए दर्पण और लेंस में फर्क होता है, ये इस तरह का अवतल लेंस होता है। ये जो अवतल लेंस है इसमें अगर पूछा जाए कि आवर्धन, आवर्धन करने का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई डिवाइडेड बाय वस्तु की लंबाई, ठीक है, उसी को आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लिया किसी भी पोजीशन में आप वस्तु को रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये इस दिशा की तरफ मूव कर जाएगा, ये फोकस में कटेगा, आपको इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, तो आप इसको फोकस में मिला सकते हैं, ये फोकस में मिलेगा और ये मान लिया जाए सी इसका यहाँ पे है। अच्छा, दूसरा किरण जो होता है वो आप ऑप्टिकल सेंटर से इसको मिला के बना सकते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर मिलाएंगे तो देखिए ये दोनों कहाँ कटा, यहाँ पे कटा। तो देखिए इसमें कहीं भी प्रधान अक्ष में किसी भी स्थान पर वस्तु को क्यों न रख लें, इसका प्रतिबिंब कभी भी प्रतिबिंब से बड़ा नहीं बन सकता, अर्थात वस्तु से बड़ा ये कभी भी नहीं बन सकता। और जब वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा तो इसका आवर्धन हमेशा क्या होगा, इज लेस देन वन, अर्थात एक से कम होगा। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, एक से कम होगा आवर्धन, क्या होगा, एक से कम होगा, यानी इज लेस देन वन, आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर एक से कम, यानी आवर्धन क्या होगा, एक से कम होगा। तो देखिएगा ऑप्शन किस तरह से आपका क्वेश्चन में दिया गया है उसी हिसाब से आप लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब जब भी होगा, क्योंकि आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन रेखीय आवर्धन बराबर होता है भी डिवाइडेड बाई यू, और भी जो होता है वो प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब मान लिया जाए आप 90 सेंटीमीटर का एक प्रतिबिंब बना और यहाँ पे आपका मान लिया वस्तु 100 सेंटीमीटर का, तो आप इसको काटेंगे तो काटने के बाद आपको 9/10 मिलेगा, और 9/10 क्या होगा, इज लेस देन वन होगा, 9/10 क्या होगा, इज लेस देन वन होगा। इसलिए इसके हिसाब से आपको हम समझा दे रहे हैं एक सवाल के हिसाब से कि ये क्या होगा, हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई में प्रतिबिंब लंबाई हमेशा ही छोटा होगा वस्तु के लंबाई से, और इसलिए तब इसका आवर्धन आप इज लेस देन वन लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक समान दृष्टि वाले मनुष्य का न्यूनतम न्यूनतम दृष्टि यानी न्यूनतम देखने की जो दूरी होती है वो कितनी होगी। तो समान दृष्टि वाले मनुष्य का न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, आखिर हम अपने सामने किसी भी वस्तु को रखकर कितना निकट तक उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि उसके ज्यादा अगर नजदीक लेके जाएंगे तो वो वस्तु धुंधला दिखाई देने लगेगा, वो होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर जैसे आपका ये आंख है और कोई वस्तु रखा हुआ है, तो आपका ये 25 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से किसी लिखे गए वस्तु को पढ़ सकते हैं। अब इसके और नजदीक आप 20 करेंगे या 10 करेंगे तो आपको वो लेटर धुंधला दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो धुंधला दिखाई देने लग जाएगा इसका मतलब क्या है कि आपका एक न्यूनतम सीमा होता है कि वहां से नजदीक आप वस्तु को मत लाइए, वहां से दूर आप देख सकते हैं परंतु उसके नजदीक आप लाएंगे तो आपको वो वस्तु धुंधला दिखाई देगा, तो इसलिए इसको न्यूनतम दूरी भी हम लोग कहते हैं, जो कितना के बराबर होता है, तो 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आते हैं कि वर्ण विक्षेपण के पश्चात सबसे कम और सबसे अधिक विचलन किन किन किरणों में होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो है बैंगनी, ठीक है, बैंगनी किरण सबसे अधिक, सबसे अधिक विचलन किस में होगा, सबसे अधिक होगा बैंगनी किरण में, ठीक है। और सबसे कम विचलन किस में होता है बताइए, सबसे कम विचलन होता है लाल किरण में,
ठीक है, क्योंकि जब भी किसी प्रिज्म से होकर एक श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये 7 रंग में जो बट गया तो इसमें आता है सबसे ऊपर आता है रेड, ठीक है, वी वायलेट, विब, जियोर, ठीक है, विब जियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो देखते हैं रेड में विचलन जो होता है वो कितना कम होता है, ठीक है, और ये जो आपका सबसे नीचे आया वायलेट, वायलेट में देखिए विचलन आपका यहां से लेके यहां तक आ गया, तो इसको विचलन बोलते हैं कि सबसे ज्यादा विचलन किस किरण का हुआ, वायलेट का हुआ, और सबसे कम किसका हुआ, रेड का हुआ। तो इस चित्र के हिसाब से आपको दिमाग में बैठाना है कि सबसे कम विचलन किसका होता है और सबसे अधिक विचलन किस किरण का होता है। उत्तल लेंस वाला चश्मा का व्यवहार किस प्रकार के दृष्टि दोष वाला व्यक्ति करते हैं, देखिए यहां पे लिखा उत्तल लेंस, ठीक है, तो उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि दोष, यानी इसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, या हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देते हैं परंतु नजदीक की वस्तु ठीक से नहीं दिखाई देते हैं, इसी को कहते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है। और इसके लिए जो चश्मा का व्यवहार किया जाता है वो है उत्तल लेंस वाला चश्मा। इसके विपरीत अगर आपको पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए किस प्रकार के चश्मा का व्यवहार किया जाता है, तो आप निकट दृष्टि में लिखेंगे अवतल लेंस का चश्मा का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो दोनों तरह का क्वेश्चन यहां पे आप समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ठीक है, −19 कूलम्ब, तो आपको ये लिख देना पड़ेगा 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। ये आवेश किसके ऊपर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। इतना ही आवेश प्रोटॉन के ऊपर भी होता है, परंतु वो होता है धनात्मक और ये होता है ऋणात्मक। तो आप ध्यान देंगे कि अगर कहीं पूछा जाए कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होते हैं, तब भी आपको यही बताना है, लेकिन वहां पे प्लस बताना है 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। तो ये जो होता है ये किसका होता है, ये इलेक्ट्रॉन का होता है और ये प्रोटॉन का होता है, ठीक है। तो दोनों का देखिए पूछा जा सकता है, जो भी पूछा जाए तो उसमें आपको प्लस माइनस पर ध्यान देना होगा। अगर प्लस माइनस कुछ भी नहीं रहे और इस आवेश में अगर फेर बदल दिया हुआ रहे तो आपको ध्यान देना होगा कि माइनस नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये सही होना चाहिए जो अंक है 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। कभी कभी 1.6 भी केवल दे देता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, तब भी सही है, ठीक है, 602 नहीं देकर 6 भी देने से सही है। ईएमएफ का इकाई क्या होता है, ईएमएफ का इकाई, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इसका जो इकाई है वो है वोल्ट, याद रखेंगे वोल्ट। एक कूलम्ब प्रति सेकेंड को
को क्या कहते हैं, एक कूलम प्रति सेकंड को एक एम्पियर कहते हैं, एक एम्पियर, एक एम्पियर, एक एम्पियर जो विद्युत धारा होता है वो किसके बराबर होता है, तो Q डिवाइडेड बाय T के बराबर होता है, अर्थात एक कूलम बटे एक सेकंड को एक एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है, एक एम्पियर इसको लिख दीजिएगा। फिर है 32, विद्युत धारा तथा विभवांतर मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या व्यवहार किया जाता है, तो देखिए विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रभाव व्यवहार किया जाता है, एमीटर, एमीटर कब आप लिखेंगे, विद्युत धारा मापने के लिए जो उपकरण का व्यवहार किया जाता है, विद्युत धारा कम है या ज्यादा है, और विभवांतर मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, किसका मापने में, तो विभवांतर, विभवांतर, तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर। किसी चालक के दोनों छोरों के बीच विभवांतर भी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा प्रतिरोध R हो, R में क्या संबंध होता है, तो ओम के नियम से आप जानते हैं कि V बराबर I इंटू R। ठीक, ये ओम का नियम है, क्योंकि ओम के नियम के हिसाब से जो किसी सुचालक तार से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उन चालक के दोनों छोरों के बीच के विभवांतर अगर भी होता है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई क्या होता है, तो विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, और उसमें क्या है कि अगर हम इसको बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ पे एक स्थिरांक देना पड़ता है जो रेसिस्टेंस के रूप में हम लोग देते हैं। तो इसलिए ये जो सूत्र है इसको अच्छी तरह से याद रखिए कि अगर कहीं पूछा जाए भी आई और आर के बीच में क्या संबंध है, तो ओम का नियम जो है वही संबंध बतलाता है, भी बराबर आई आर, तो इसको आप याद रखेंगे, यानी विभवांतर बराबर, विभवांतर बराबर विद्युत धारा, विद्युत धारा गुना प्रतिरोध, विद्युत धारा गुना प्रतिरोध। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। विद्युत हीटर का तार किस मिश्र धातु का बना होता है, नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु है जिसमें हीटर जो हम लोग जलाते हैं घर में, ठीक है, रूम हीटर जो होता है उसमें नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है, उसमें निकेल होता है और प्लस क्रोमियम होता है। ठीक है, तो निकेल और क्रोमियम धातु से मिला करके ये मिश्र धातु बनता है जिसका कि रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है, काफी उच्च होता है, उच्च रेसिस्टेंस होता है, इसी के कारण ये क्या करता है, हीट उत्पन्न करता है, है ना, यानी उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो उसमें काफी रेसिस्टेंस उत्पन्न होते हैं जिससे कि घर्षण से हीट उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है। क्लियर, अब आगे चले आइए। 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया है तो बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा, तो देखिए विद्युत धारा I बराबर होता है W डिवाइडेड बाय V। ठीक है, यानी वाट डिवाइडेड बाय वोल्ट, तो इसलिए इसके हिसाब से आप बना सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा आपको पूछा गया तो W कितना हुआ, W 100 वाट का बल्ब है तो 100 लिखेंगे, अब वोल्ट इसका कितना है 250 है। ठीक है, 0 0 आप काट देंगे, 5 × 10 कितना आ गया, 2 / 5 बराबर आएगा 0.4 एम्पियर, एम्पियर लिखना मत भूलिएगा, एम्पियर। ठीक है, तो कितना विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, ऐसा क्वेश्चन देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन में दिया जाता है 100 वाट हो, 200 वाट हो, 300 जो भी वाट दिया जाएगा और वोल्ट दिया जाएगा, और अगर कहीं ये पूछ दिए कि विद्युत धारा उसमें कितना प्रवाहित हो रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वाट और वोल्ट, वाट में वोल्ट से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है 36, दो प्रतिरोध R1 और R2 को श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है,
तो याद रखिए कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, दोनों का प्रतिरोध का योगफल होता है, यानी R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछा समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर चूंकि होता है इसका 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से इसका सूत्र है, ठीक। तो यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध आपको पूछा गया है, तो इसमें और 1/R इजकल टू, इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए तो क्या होगा, R1 R2, और इधर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो आ जाता है आपको R into R1 plus R2 = R1 into R2, ठीक है। इसलिए R बराबर हो जाएगा R1 into R2 / R1 plus R2। रटने का जरूरत नहीं है, ये जो नियम है उसी हिसाब से आपको मिल रहा है। तो ये जो है आपका, देखेंगे कभी कभी ये ऑप्शन दिया जाता है, तो आपका ये ऑप्शन ध्यान दीजिएगा कि जब भी समानांतर क्रम रहेगा तो ये सूत्र आप बैठा सकते हैं, R1 into R2 / R1 plus R2, ठीक है। अच्छा, अब आता है विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर आखिर क्या करता है। विद्युत मोटर मतलब होता है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को क्या करे, यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे। तो इसका सिद्धांत यही हुआ कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, कर देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। तो देखिए इसका सिद्धांत भी तो यही होगा कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं वही क्या होता है, विद्युत मोटर होता है। और विद्युत मोटर का सिद्धांत भी यही होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो सिद्धांत है उसी को हम कहते हैं विद्युत मोटर का सिद्धांत। अब आता है 38, मेंडेलीव का आवर्त नियम किस गुण पर आधारित है। तो देखिए मेंडेलीव जब आवर्त सारणी को बनाने का कोशिश किए थे तो उस समय उन्होंने परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में सजाए, परमाणु भार को, यानी उनका जो बेस था परमाणु भार था, और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी का निर्माण किए। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि इनके जो है किस गुण पर आधारित होता हो था, तो परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात इनका नियम था कि तत्वों का रासायनिक तथा भौतिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाई जाए तो एक निश्चित अवधि के बाद समान गुण वाले जो तत्व होते हैं एक कतार में व्यवस्थित हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं मेंडेलीव का आवर्त सारणी, ठीक है। तो इसका मेन जो प्रॉपर्टी था वो है परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किस गुण पर आधारित है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो बना या फिर दीर्घ आवर्त सारणी जो बना तो वो परमाणु संख्या के आधार पर इसको सजाया गया, तो इसलिए वो कहते हैं इसको परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने क्या किया, दीर्घ आवर्त सारणी का निर्माण कराया, ठीक है, एटॉमिक एटॉमिक नंबर के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया गया, ठीक। अब आते हैं दीर्घ आवर्त सारणी के किस वर्ग में हेलोजन को रखा गया। तो दीर्घ आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं,
ठीक है, 18 वर्ग में 17वां वर्ग में किसको रखा गया है, तो हेलोजन को रखा गया। तो आप लिख सकते हैं 17वें वर्ग में, ठीक है, 17वें वर्ग में हेलोजन को रखा गया है। हेलोजन जो होते हैं एक परिवार होते हैं, ठीक है, जिसको कि हेलोजन परिवार कहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारे इसके तत्व होते हैं, जैसे फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन हुआ, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से 5 जो तत्व हैं इसमें उपस्थित होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। तो ये किसने कि कौन से ग्रुप में है, तो 17वें ग्रुप में इसको रखा गया है, याद रखेंगे आप। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो क्लोरीन का सबसे पहले जानिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर इसका 17 है, ठीक है, और इसका जो भार संख्या है वो 35 है। तो इससे मतलब नहीं है, आपको एटॉमिक नंबर लिखना है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो आपको के एल एम इस तरह से, एन इस तरह से आपको इसका कक्षा तैयार करना है। प्रथम कक्षा में 2 आता है, चूंकि 17 इलेक्ट्रॉन को आपको सजाना है, क्योंकि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन को आपको व्यवस्थित करना है। प्रथम कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तो आप बच गया कितना, आपको 7 बच गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसी अगर इसका निकालने के लिए कहा जाए तो 2, 8, 7 इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब चले आइए, एक सहसंयोजक यौगिक तथा एक विद्युत सहसंयोजक यौगिक, एक विद्युत संयोजक यौगिक का उदाहरण दीजिए। सहसंयोजक यौगिक देखिए बहुत सारा है, जिसमें कि एक कार्बनिक पदार्थ आपको बताते हैं, मीथेन। मीथेन एक सहसंयोजक यौगिक है, CH4। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक, इसका अगर हम डॉट इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं, चूंकि ये साझा करता है किससे, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में साझा होता है, तो ये हुआ आपका मीथेन। एक विद्युत संयोजक बंधन अगर देखेंगे तो आप सबसे अच्छा उदाहरण इसका साधारण नमक, साधारण नमक जो होता है, जिसको कि हम NaCl कहते हैं, तो ये NaCl इसका क्या है, साधारण नमक है। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉट लिखने के लिए आता है तो आप Na, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होता है, और क्लोरीन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन देने से इसका अष्टक पूरा हो जाता है और ये दोनों NaCl बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है। आपको ये नहीं बनाना है, आपको लिखना है साधारण नमक NaCl लिखना है, और एक लिखना है मीथेन CH4। और भी बहुत सारा है जो कि सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दे दिए हैं, एक मीथेन का, एक साधारण नमक का, ठीक है। हेलोजन के सबसे अधिक सक्रिय कौन सा तत्व है? अब हेलोजन सदस्य में देखेंगे जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन सबसे ऊपर जो होता है, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन जो होता है हेलोजन में सबसे ज्यादा क्या होता है, सक्रिय होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं। 44, एक विद्युत विच्छेद तथा एक विद्युत अविच्छेद पदार्थ का नाम लिखिए। देखिए विद्युत विच्छेद मतलब होता है कि अगर उस पदार्थ का पिघली हुई अवस्था या उसका घोल के अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने अवयवी तत्वों में विघटित हो जाते हैं, इसको विद्युत विच्छेद कहते हैं। जैसे आपको NaCl ले लेते हैं, या KCl ले लेते हैं, या KOH ले लेते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब विद्युत विच्छेद है, इसको हम विद्युत विच्छेदन कर सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं, ये सब क्या है, विद्युत विच्छेद, विद्युत विच्छेद। और जिसका विद्युत विच्छेद नहीं हो सकते हैं वो कार्बनिक पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ में जैसे अल्कोहल ले लिए, अल्कोहल ले लिए, चीनी का घोल ले लिए, सॉरी चीनी का घोल ले लीजिए, ठीक है, ये सब क्या होगा, विद्युत अविच्छेद होगा,
और विच्छेद मतलब जिसको विद्युत विच्छेदन नहीं किया जा सकता है। इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर भी दें तो ये आयन में विभक्त नहीं होगा, इसको कहते हैं विद्युत अविच्छेद। 45, जल का विद्युत विच्छेदन करने पर एनोड पर कौन सा गैस जमा होता है? ठीक है, एनोड पर कौन सा गैस जमा होता है? तो आप जानते हैं कि जल का जब विद्युत विच्छेदन करते हैं तो जल विघटित होकर के H प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब H जो होते हैं ये दो ठो आपस में मिल जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और दो ठो मिलकर के H2 गैस बना लेते हैं। और ये H2 जो होते हैं वो चूंकि हाइड्रोजन है तो ये प्लस है, इसलिए ये कैथोड के ऊपर जाकर के क्या होगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, और OH आयन क्या होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को ये चूंकि ये ग्रहण करता है और ग्रहण करके H में बदल जाता है, तो ये इस तरह से चूंकि OH आयन और तो यहाँ पे H प्लस और OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। OH का जो चार परमाणु होते हैं, चार जो मोलिकुल्स होते हैं, ये आपस में मिल करके ये बना देते हैं H2O प्लस O2 बनाते हैं। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे दे देते हैं, 2 4 हो गया और ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन बनता है, ये ऑक्सीजन गैस कहाँ पे, एनोड पर मुक्त हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। देखिए, इतना डिटेल हमको कराने का मतलब ये होता है कि कभी कभी अगर क्वेश्चन आपको यहाँ एनोड पूछा, कभी कैथोड पूछ सकता है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिटेल करा देना चाहते हैं ताकि आपका क्वेश्चन एक ही तरह से नहीं पूछा जा सकता, आपको चेंज भी कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा जल का विद्युत विच्छेदन करने से एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो देख लीजिए एनोड पर कौन सा गैस मुक्त हुआ, ऑक्सीजन गैस। अगर बाय द वे अगर क्वेश्चन में चेंज करते यहां बोले कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो आप जान तो सकते हैं कि इसमें किस तरह से प्रतिक्रियाएं होती है और कौन सा गैस किस पर जाकर के मुक्त होते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो होते हैं वो हमेशा कैथोड के ऊपर जाकर मुक्त होगा और ऑक्सीजन गैस जो होगा वो एनोड के ऊपर मुक्त होगा, इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तांबा का विद्युत विच्छेदन के द्वारा शुद्धिकरण करने के लिए किस पदार्थ का विद्युत विच्छेद लिया जाता है, तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट CuSO4 जिसका निष्कर्षण किया जाता है उसी का लवण जो है विद्युत विच्छेद के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो CuSO4 जिसको कि कॉपर सल्फेट कहते हैं, ठीक है, इसका व्यवहार किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक है, जब तांबा का निष्कर्षण किया जाता है। अब आता है चांदी का परत चढ़ाने के लिए किसका एनोड बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिसका परत चढ़ाया जाता है उसी का शुद्ध रूप को एनोड बनाया जाता है। ठीक है, तो हम चांदी का परत चढ़ा रहे हैं तो शुद्ध चांदी का क्या बनाएंगे, शुद्ध चांदी का यहां पर बनाएंगे एनोड बनाएंगे। ठीक है, शुद्ध चांदी का एनोड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर चांदी का परत चढ़ाने पर किसका एनोड, किसका कैथोड, किसका विद्युत विच्छेद बनाया जाएगा। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है और इसमें चांदी, देखिए लोहे के ऊपर चांदी का ही परत चढ़ा रहा है लेकिन उसमें पूछा एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा और विद्युत विच्छेद कौन होगा। तो आप जान रहे हैं कि जिसका परत चढ़ाया जाता है, यहां पे चांदी का परत चढ़ाया जाता है तो आपको एनोड ले लेना होगा, उसी का एनोड क्या होगा, शुद्ध चांदी का ले लेना पड़ेगा, शुद्ध चांदी। ठीक है, और जिसके ऊपर परत चढ़ाया जा रहा है वो क्या है बोलिए, लोहा। तो लोहा को आप क्या बनाएंगे, लोहा को क्या बनाएंगे, लोहा को बनाएंगे आप कैथोड, कैथोड आपका क्या बन गया, लोहा। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रोलाइट आपको बनाना है, इलेक्ट्रोलाइट करने का मतलब कि विद्युत विच्छेद आपको क्या लेना है, तो विद्युत विच्छेद आपको जो लेना है वो होता है पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड, स्पेलिंग ठीक से देख लीजिए, अर्जेंटो साइनाइड, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है साइनाइड। ठीक है, अगर इसको सूत्र के हिसाब से अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं
तो पोटेशियम के ए जी सी एन होल टू, तो आप ये भी लिख सकते हैं के ए जी सी एन होल टू पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड, क्या लेना होगा, विद्युत विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के ऊपर सोना का परत चढ़ाने के लिए किसका एनोड, किसका कैथोड और किसका इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, तांबे के ऊपर सोना का परत चढ़ा रहा, तो तांबा जो लिया जाएगा, चूंकि तांबा के ऊपर परत चढ़ाया जा रहा है, तो तांबा आपका बन जाएगा कैथोड। ठीक है, सोना का परत चढ़ा रहा है, सोना क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा आपका शुद्ध सोना। कैसा लेना है, शुद्ध सोना आपको लेना है, ये एनोड लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सोना का परत चढ़ा रहे हैं तो उसका एनोड आपको बनाना पड़ेगा। और विद्युत विच्छेद आपको क्या लेना पड़ेगा, विद्युत विच्छेद आपको लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं, ये लेना पड़ेगा आपको पोटासियम औरो साइनाइड, पोटासियम औरो, औरो देख लीजिए स्पेलिंग, साइनाइड, पोटेशियम औरो साइनाइड, औरो साइनाइड। ठीक है, इसको अगर लिखेंगे तो के एयू सी एन होल टू, तो पोटेशियम औरो साइनाइड इसको कहते हैं। तो आप इसको भी लिख सकते हैं सूत्र अगर याद रहे तो, नहीं तो आपको ये याद रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं पोटेशियम औरो साइनाइड। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। एक दुर्बल विद्युत विच्छेद का नाम तथा एक प्रबल विद्युत विच्छेद का नाम लिखें। देखिए, दुर्बल विद्युत विच्छेद अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, दुर्बल विद्युत विच्छेद, मतलब विद्युत विच्छेदन होता है लेकिन यह कम मात्रा में आयन उत्पन्न करता है, तो यह होता है दुर्बल विद्युत विच्छेद। इसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, NaOH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। और दूसरा आप लिख सकते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये भी क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। तो फिर ये जो प्रबल विद्युत विच्छेद है वो कौन से होंगे, प्रबल विद्युत विच्छेद कौन से होंगे, तो प्रबल विद्युत विच्छेद का अगर एग्जाम्पल आता है तो आप लिख सकते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अगर स्पेलिंग, ये अगर सूत्र नहीं याद हो, फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला अगर याद नहीं हो तो सल्फ्यूरिक अम्ल इस तरह से भी लिख सकते हैं, याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। HNO3, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, NaOH, क्षार एक ठो ले लीजिए, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आज 50 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाए हैं, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लीजिए, ताकि सामने वाला जो एग्जाम है उसमें आपका तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। और नेक्स्ट जो 51 से कुछ और भी क्वेश्चन हम ढूंढ के लाएंगे, ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब बहुत कम है इसलिए सब्सक्राइब ज़्यादा करने का कोशिश करिए, सब्सक्राइब जितना अधिक करिएगा तो
हमें आप भी फायदा होगा और आप लोग को भी फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में ये पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।